Hey guys, welcome back to my channel और मैं हूँ राबिया। कई लोग एक्ने के स्कार्स को, जो एक्ने के पिट्स होते हैं, उसको लार्ज पोर्स समझ के लार्ज पोर्स की रेमेडी यूज करते हैं और फिर कहते हैं कि उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा। कैसे मिलेगा? लार्ज पोर्स जो होते हैं वो एक्सेसिव ऑयल सिक्रेशन की वजह से होते हैं, जो नॉर्मली होम रेमेडी से ट्रीट किए जा सकते हैं और जल्दी रिजल्ट मिलता है। एक्ने के स्कार्स बड़े बड़े एक्ने, मोटे मोटे पिंपल्स की वजह से होते हैं, जो आपकी स्किन के बहुत डीप में चले जाते हैं और आपकी स्किन की लेयर को डैमेज कर देते हैं। एक्ने के स्कार्स एक्चुअली गुड न्यूज है, एक बैड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि इसको आप ट्रीट कर सकते हो, बैड न्यूज ये है कि आप इसको होम रेमेडी से ट्रीट नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट की हेल्प लगती है। महंगे महंगे लेजर से ही आपके जो स्कार्स है उससे भी कम्प्लीटली नहीं जाते, लेकिन उससे एटलीस्ट आपकी स्किन जो है वो बहुत हद तक स्मूथ हो जाती है। सिर्फ एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसको हम कहते हैं माइक्रो नीडलिंग, यानी कि डर्मा रोलिंग, जिसको आप घर पे कर सकते हो। ये भी डर्मेटोलॉजिस्ट का ही ट्रीटमेंट है, लेकिन सिर्फ ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसको आप घर पे कर सकते हो, तो इसको आप होम ट्रीटमेंट या होम रेमेडी जैसे कंसिडर कर सकते हो। लेजर जो होते हैं ना, वो 10-12-15 लाख की एक मशीन आती है जो आपके स्किन से दाग को हटाती है। आपको इतना पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ना महंगे महंगे ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत है। सिर्फ 300 से 500 रुपए का एक डर्मा रोलर आता है, इसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, इसको लेके आप यूज करो। इसको लेके आपको कैसे यूज करना है, इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो शेयर किया, उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज जाके उसको जरूर देखें, उससे आपको क्या फायदे, कैसे वो काम करता है, क्या रिजल्ट मिलता है, कौन से नीडल यूज करनी चाहिए, सब कुछ मैंने उसमें शेयर किया। फिर भी मैं आपको इसमें एक शॉर्ट में बता रही हूँ कि आपको जो डर्मा रोलर होता है, फिलहाल मैं 0.5 mm का डर्मा रोलर यूज कर रही हूँ। इसको यूज करने से पहले प्लीज इसको डिसइंफेक्ट जरूर कर ले, जिसके लिए आपको स्पिरिट, जो मैंने उस वीडियो में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आपके साथ में शेयर किया है, जो आपको यूज करने की जरूरत नहीं, 300-350 की एक बॉटल है, 30 रुपए की एक बॉटल मेडिकल स्टोर से मिल जाती है, क्लिनिकल स्पिरिट बोल के, सर्जिकल स्पिरिट, आप वो ले लीजिए, 30 रुपए में आपका काम हो जाएगा। थोड़ा सा आप किसी बोल में इस तरह से निकाल लीजिए और अपने डर्मा रोलर को यूज करने से पहले इसमें डुबो के रख दीजिए 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद आप इसको अच्छे से वाइप आउट करें और फिर इसको आप अपने फेस पे यूज करें। इसको आपको हर बार ऐसे ही करना है जब भी आप इसको यूज करते हो। इसको आपको डेली यूज नहीं करना है, हफ्ते में सिर्फ 2 बार करना है अगर आप 0.5 mm की नीडल यूज कर रहे हो। इससे अगर आप आगे बढ़ते हो, जैसे 0.75 या 1 mm या 1.5 mm या 2 mm, तो उसमें ड्यूरेशन जो है वो अलग अलग होता है। कोई आपको 10 दिन में करना है, कोई 15 दिन में करना है, 2 mm के आपको सिर्फ महीने में एक ही बार करने होते हैं। वो डिपेंड करता है आपके स्कार्स कितने डीप में गए, ये सब कुछ मैंने वो वीडियो में शेयर किया, तो मैं इस वीडियो में आपके साथ में नहीं शेयर करने वाली, उसको आप जरूर देखें। ठीक है, इसको यूज करने से पहले आपने इसको डिसइंफेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको आपके फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। इसको भी आपको वही स्पिरिट को लेके आपको थोड़े से कॉटन बॉल में डाल के फेस वॉश करने के बाद इसको लेके आप अपने पूरे फेस पर अच्छे से पोंछ लीजिए, क्लीन कर लीजिए, अपने फेस को भी आप क्लीन कर लीजिए। आपका फेस बिल्कुल सूखा होना चाहिए अभी करने से पहले। अब ये डर्मा रोलर लीजिए और अपने फेस पे रोल करना शुरू करें। किस तरह से? पूरा ऐसे बड़े 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 आपको रोलर नहीं घुमाने हैं, छोटा सा एरिया लीजिए, ठीक है, उसको स्ट्रेच कीजिए, वहीं पे आप 2 से 3 बार अच्छे से इस तरह से रोलर को चलाइए, ठीक है। फिर वो एरिया पे हो गया, वो एरिया पे आपको फिर से जाना नहीं है, दूसरा एरिया पे जाए, उसको अच्छे से स्ट्रेच करें, फिर से उसको रोल करें, फिर तीसरे एरिया पे जाए, उसको इस तरह से रोल करें, इस तरह से अपने पूरे गाल को कंप्लीट करें। अगर आपको सिर्फ गाल पे, नॉर्मली गालों पे होते हैं तो मैं आपको गाल बता रही हूँ, अगर आपको इसी तरह से फोरहेड पे कहीं पे भी है तो यही प्रोसीजर से आप फॉलो करेंगे, ठीक है। उसको स्ट्रेच करें, आपकी स्किन पे कोई क्रीम, कोई सीरम, ये वो कुछ नहीं होना चाहिए, आपकी स्किन बिल्कुल सूखी ड्राई होनी चाहिए। उस पर आपको इस तरह से रोल करना है। क्या दर्द होगा? 0.5 mm में कोई दर्द नहीं होगा, 0.75 में भी कोई दर्द नहीं होगा, 1 mm में हल्का फुल्का होगा, 1.5 mm, 2 mm में आपको हल्का दर्द होगा, वो भी अगर आप जल्दी जल्दी करोगे। आपको जल्दी जल्दी करना है, एकदम धीरे से नहीं करना, जल्दी जल्दी करना तो आपको दर्द पता बिल्कुल नहीं चलता। होने के बाद ये पूरा प्रोसीजर आपका हो गया, इसके लिए आपको तकरीबन 5 से 10 मिनट लगते हैं, क्योंकि पूरा एरिया आपको धीरे धीरे करके कवर करना होता है। इसको जब भी आप अपने फेस पे रोल करते हो तो आपकी स्किन में कोलेजन का प्रोडक्शन होने लगता है, जिसके ना होने की वजह से आपकी स्किन में ये गड्ढे पड़ गए हैं, ये स्कार्स पड़ गए हैं। आपकी स्किन प्रॉपर कोलेजन को प्रोड्यूस नहीं कर पाती, इसकी वजह से हम अपनी स्किन में वही हल्की सी चुभन दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो कोलेजन को प्रोड्यूस करे और आपके जो गड्ढे हैं वो भरने लगे और आपकी स्किन जो है वो फिर से स्मूथ होने लगे। तो ये इस ट्रीटमेंट का मकसद होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने पूरे फेस को कंप्लीट कर लिया। होने के बाद क्या आपको रेडनेस होगी? हाँ, हल्की फुल्की रेडनेस हो सकती है अगर आपकी स्किन ज्यादा सेंसिटिव है तो। 0.5 mm यूज करोगे तो कोई भी रेडनेस वगैरह कुछ नहीं होती है। अगर आपको रेडनेस होती है तो भी डरिएगा नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ब्लड तो बिल्कुल नहीं निकलेगा, 0.5 mm से कोई ब्लड ब्लड नहीं निकलता है।
एक बार आपने इसको कर लिया उसके बाद में आपको अप्लाई करना होगा एक सीरम जो बहुत ही कंपलसरी है, अगर आपको स्कार्स है तो कंपलसरी है, और वो सीरम होगा या तो विटामिन सी का सीरम या फिर हाइलुरोनिक एसिड का सीरम। ये ही दो सीरम है जो आपकी स्किन में वो कोलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करने में हेल्प करेंगे, जो आपने ट्रीटमेंट किया है उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाएंगे। विटामिन सी का जो सीरम है वो DIY यानी कि टैबलेट से बना हुआ सीरम बिल्कुल नहीं यूज करना है आफ्टर डर्मा रोलिंग, बिल्कुल नहीं यूज करना, क्योंकि डर्मा रोलिंग से आपकी स्किन ऑलरेडी इरिटेट जैसी लगती है। अगर आप उस पर टैबलेट वाले सीरम यूज करोगे आपकी स्किन और ज्यादा इरिटेट हो सकती है। अगर आप स्कार्स को ट्रीट करना चाहते हो तो प्लीज कोई अच्छे विटामिन सी सीरम पे इन्वेस्ट करो। आप कोई भी विटामिन सी का सीरम यूज करो, स्पेशली जिसमें एटलीस्ट 20% विटामिन सी का कॉन्सेंट्रेशन हो, जैसे कि ये डर्मा को का विटामिन सी का सीरम आप यूज कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी आपके साथ में इसके बारे में शेयर कर चुकी मेरे स्किन केयर रूटीन में जो मैं यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे एक्ने की प्रॉब्लम होते रहती है, स्पॉट्स होते रहते हैं। ये सिर्फ आपके स्कार्स को रिड्यूस नहीं करता, आपके जो पिट्स है उसको भरने में हेल्प नहीं करता, आपके स्किन से लाइंस रिंकल्स को भी रिड्यूस करता है, आपके स्किन में कोलेजन को बूस्ट करता है, स्किन को यूजफुल बनाता है, प्लस आपके जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, जो डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस करता है, और आपकी स्किन टोन को भी इवन करता है। तो ये बेस्ट विटामिन सी का सीरम है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है। आप अगर देखोगे जो स्कार्स होते हैं, जैसे आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो लेजर के बाद जो दूसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो होता है फिलर्स का, जिससे आपके स्कार्स जो है वो भरने लगते हैं, आपकी स्किन जो है वो भरने लगती है और आपकी स्किन स्मूथ होने लगती है। फिलर्स में होता क्या है, हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है, जिसके आप इतने सारे पैसे, हजारों में पैसे आप देकर आ जाते हो, तो वो करने की जरूरत नहीं। सिंपल हाइलुरोनिक एसिड का सीरम भी अगर आप यूज करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। इस सीरम में विटामिन सी भी है, हाइलुरोनिक एसिड भी है, तो इसलिए आप इसको बेझिझक यूज कर सकते हो। इसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी, अगर आप इसको चाहो तो जरूर परचेज करें। उसके बाद में एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए वेट करना, उसके बाद में आपको कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट डे के लिए हो गया, उसके बाद 2 दिन का आप गैप दोगे, फिर से आप डर्मा रोलिंग करोगे, फिर 2-3 दिन का आप गैप दोगे, फिर से आप डर्मा रोलर अपने फेस पे करोगे। इस 2-3 दिन में आपको क्या करना है, आपके फेस पे कोई पैक ये वो आपको कुछ यूज नहीं करना है। इस बीच में आप सिर्फ क्या करोगे, स्किन का रूटीन फॉलो करोगे, जिसमें रात में आपको एक और चीज करनी है, आप फेस वॉश कर लोगे, उसके बाद आपको अप्लाई करना होगा विटामिन सी का सीरम जो आप अप्लाई कर रहे हो नॉर्मली, और उसके बाद आप अप्लाई करें ट्रेटिनॉइन की क्रीम। आप कोई भी रेटिनॉइड अपने स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड करें, ठीक है। रेटिनॉइड्स जो है ये भी बहुत जरूरी है, विटामिन ए का डेरिवेटिव है ये, जो आपकी स्किन में ये कोलेजन को बूस्ट करता है, स्किन को यूथफुल बनाता है, एंटी एजिंग के लिए हेल्पफुल है, और ये स्कार्स को भी रिड्यूस करता है। तो इसके लिए सबसे सस्ता जो होगा आपके लिए ऑप्शन वो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाके आप ये क्रीम परचेज करें ट्रेटिनॉइन की, ठीक है। इसके भी लिंक मैं दे चुकी हूँ, लेकिन लिंक नहीं मैं आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। इसको लेके आप अपने फेस पे अप्लाई करें, इसके ऊपर भी मैंने कंप्लीट वीडियो शेयर किया है, प्लीज उसको भी जरूर देखें। मैंने हर एक के ऊपर अलग अलग बनाया, इसमें मैं आपको कंबाइन करके इसको एक रूटीन के जैसे कैसे बनाए वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। सेकेंड डे पे आपको करना है इसको, डर्मा रोलर जिस दिन करोगे उस दिन आपको बिल्कुल नहीं करना है। सेकेंड डे पे आप क्या करोगे, सीरम अप्लाई करने के बाद 10 मिनट के लिए वेट करोगे, फिर ये क्रीम को लेके आप अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करोगे ट्रेटिनॉइन की क्रीम। कोई भी रेटिनॉइड लगाने के बाद आपकी स्किन यूथफुल तो दिखती है लेकिन ड्राई भी होती है, इसलिए ट्रेटिनॉइड लगाने के एटलीस्ट 1.5-2 घंटे के बाद में आपको अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाए, ताकि आपकी स्किन ड्राई ना हो और ट्रेटिनॉइन के बेनिफिट्स भी आपको मिले। उससे ना आपकी स्किन ड्राई तो होती है लेकिन पील भी होती है, आपके डेड सेल्स निकलते हैं, आपकी स्किन यूथफुल लगती है। इसको यूज करने का सही तरीका जो मैंने वीडियो आपके साथ में शेयर किया उसको जरूर देखें, वो 2 वीडियो देखोगे इसके साथ में, जब इसको आप कंबाइन करोगे ना आपके एक्ने के स्कार्स गायब हो जाएंगे। गाइस मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि ये पैक लगा लो, इससे आपके स्कार्स भी चले जाएंगे, गड्ढे भर जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि जो चीज नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती। मैं भले से आपके साथ में DIY होम रेमेडीज वगैरह शेयर करती हूँ, लेकिन जो चीज इसे पॉसिबल नहीं है भाई नहीं है। मैं आपको बस इफेक्टिव चीज बताना चाहती हूँ, भले से मुझे व्यूज कम आए, मुझे लाइक्स कम आए, भले से आप उसको अब मानो नहीं मानो, लेकिन जो इफेक्टिव होगा मैं वही आपके साथ में शेयर करूंगी। तो गाइस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा या मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज इस वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए हमेशा की तरह, और लाइक करो ना करो प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी, अपने फैमिलीज के साथ भी जरूर शेयर करो, ताकि उनकी भी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए। मैं आपको मिलूंगी मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।